Hello students, welcome to gatelectures.com. I am Puspanjay Kashyap, lecturer of mechanical engineering. In this lecture, I am going to analyze the topic state of the system and state postulates, and then I will explain the processes like reversible processes, irreversible processes, quasi-static, non-quasi-static, and then the microscopic approach and the macroscopic approach of the thermodynamics. Okay, let's start. The first topic of this lecture is state of the system. Okay, dekhte what is sabse pehla question aata hai, what is state of the system. To yahan pe start karte hain, sabse pehle hum state of the system se, state of the system. What is state of the system? हमने previous lectures में हमने system के बारे में देखा है. There are three type of system: closed system, open system, and isolated system. ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले state की बात करते हैं. तो कोई भी system के अगर state को आप define करना चाहते हो, तो कोई भी condition, any condition of the system is called the state of the system. और उस condition को define कौन करता है? उस कंडीशन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो? बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. इट मींस द प्रॉपर्टीज डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. अगर कोई भी सिस्टम किसी भी स्टेट में है, तो आप अगर उसे पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम या एचएस डायग्राम, कोई भी चीजों पर आप अगर उसे एक्सप्लेन करना चाहो, तो कैसे करोगे? एक सिस्टम का स्टेट क्या है, यानी कि वो इतने टेम्परेचर पे है, इतने प्रेशर पे है, इतने वॉल्यूम पे है, समथिंग इतना वॉल्यूम है, इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर, तो वो चीजें देखेंगे और फिर इसके इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरह से इन चीजों को हम देखते हैं. ओके, फर्स्ट वन देखते हैं. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम. फिर हमने क्या बोला, सिस्टम को स्पेसिफाई कौन करता है? प्रॉपर्टीज. तो नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टीज. इफ एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी changes the state of the system changes. Okay, अगर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो स्टेट चेंज होगा, बिकॉज की स्टेट को डिफाइन कौन कर रहा है? प्रॉपर्टी. बाई यूजिंग प्रॉपर्टी हम किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी. अगर प्रॉपर्टी चेंज होगी तो स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑटोमेटिक चेंज होगा. ओके, थर्ड पॉइंट इज the change of the state of the system is called process. अगर वन से टू स्टेट में अगर आ रही है कोई भी सिस्टम है, अगर स्टेट वन से स्टेट टू में जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. एंड वन से टू प्रोसेस में आने में वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपने स्टेट को चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस पाथ. तो नेक्स्ट पॉइंट इज द इनफाइनाइट स्टेट्स through which the system passes is called process path. Now
एक एग्जांपल पे देखते हैं क्या चीजें होती हैं। ओके, प्रोसेस पाथ, प्रोसेस स्टेट ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ऑफ एन ऑफ अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, दिस इज पिस्टन। इफ वी सिलेंडर इज वेल इंसुलेटेड, दिस सिलेंडर इज वेल इंसुलेटेड, ओके दिस इज पिस्टन। इनसाइड द पिस्टन एंड सिलेंडर देयर इज आवर सिस्टम। ओके, तो यहां से देखते हैं अपना सिस्टम, दिस रेड कलर डॉटेड लाइन इज आवर सिस्टम, दिस रेड कलर डॉटेड लाइन इज आवर सिस्टम। तो इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इस पॉइंट पे है, इस मान लो कि ये अगर मैं पीवी डायग्राम पर सिस्टम को देखता हूं, ठीक है, अगर सपोज करो आप पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूं, अभी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट पे मान लिया दिस इज पॉइंट वन, यानी कि इस पॉइंट पर इसका प्रेशर कुछ इस पॉइंट पे है इतना और वॉल्यूम कुछ इतना है। तो इस पॉइंट पर इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हर एक प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज है वो इस पॉइंट पर डिफाइंड होंगी कि इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने सिस्टम को अब थोड़ा सा स्टेट चेंज कर रहे हैं सिस्टम का, यानी कि पिस्टन को मूव करा के अब हम कहां लेते हैं, इस पोजीशन पर लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज आवर सिस्टम। अब इस सिस्टम का वॉल्यूम क्या हुआ, सिस्टम पहले रेड कलर में था तो उसका वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, अब वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया, यानी कि कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हुई, और तो प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। तो वॉल्यूम और प्रेशर, अब इस पॉइंट पे सिस्टम को अगर डिफाइन करना है इस पीवी डायग्राम पे, तो कैसे आप करोगे, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करोगे, तो इस पॉइंट पर इसका मान लिया प्रेशर क्या हो गया, P1, वॉल्यूम हो गया V1, तो ये कुछ प्रेशर इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो कुछ ये इस पॉइंट पे चला गया, दिस इज पॉइंट टू। वन से टू इट मींस कि यहां से यहां तक आने में इसने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपने स्टेट को चेंज किया होगा। अगर आप देखो तो यहां से थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है तो सिस्टम की प्रॉपर्टी बदलेगी, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो रहा है। तो यहां से वन से टू वो जिस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, वन से टू क्या, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है, ठीक है। प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, अगर आपको बहुत फास्ट प्रोसेस है, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, आपको पता नहीं है कि वो कैसे उसमें चेंजेज आए, हर एक पॉइंट पर आपको स्टेट डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ही स्लो प्रोसेस है तो स्लो प्रोसेस के थ्रू आप प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो, सिंपल। तो अगर सपोज कर लो कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, अगर इसने इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वन से टू जाने में अपने स्टेट को चेंज किया होगा, अगर सपोज कर लिया कि यहां पर इसका प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम इतना है, इतना प्रेशर है तो वॉल्यूम इतना है, इस पॉइंट पे इतना प्रेशर था, वॉल्यूम इतना था, तो हर एक पॉइंट को आप मिलाओगे, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस पाथ। ओके, दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। ओके, तो यहां पर जितने तीन पॉइंट्स हमने पढ़े थे स्टेट ऑफ सिस्टम के, एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। सेकेंड वन, द स्टेट ऑफ सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाई इट्स प्रॉपर्टीज, इफ एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस, एंड द इनफाइनाइट स्टेट थ्रू विच द सिस्टम पासिस इज कॉल्ड प्रोसेस पाथ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहीं से क्वेश्चन डिफाइन होती है कि अगर हर एक स्टेट पे, हर एक पॉइंट पे आपको कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कितनी चाहिए उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टेट पोस्टुलेट्स। तो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेट पोस्टुलेट, द स्टेट पोस्टुलेट, द स्टेट पोस्टुलेट। ओके, इसमें देखते हैं, सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा कि किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए उसे फिक्स करने के लिए, स्टेट ऑफ सिस्टम को फिक्स करने के लिए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी चाहिए, कि उतने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को अगर हमने फाइंड कर लिया
तो बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑटोमेटिक फाइंड हो जाए, दैट इज कॉल्ड द स्टेट पोस्टुलेट. ओके, तो आप देख सकते हैं इसको सिंपल अगर मैं कहूं, द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज required to fix the state of the system is given by the state postulate. ओके, सिंपल सी बात है कि सिंपल एक बार फिर से बोल रहा हूं कि किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब कौन करता है, प्रॉपर्टीज. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए एक किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, कि उतनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाए तो बाकी प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिक हम फाइंड आउट कर सके. ओके, तो द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय द स्टेट पोस्टुलेट. ओके, अगर आप यहां पर और सिंपल अगर जाते हैं तो एक आता है गिब्स फेज रूल. उससे क्या पता चलता है हमें गिब्स फेज रूल से पता चलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. नेक्स्ट टॉपिक इज, स्टार्ट करते हैं गिब्स फेज रूल. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा गिब्स फेज रूल क्या होता है. पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू. पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, वेयर पी इज इक्वल टू नंबर, दिस इज पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, नंबर ऑफ फेजेस, दैट इज लिक्विड सॉलिड सॉलिड गैस एक्सेट्रा. ठीक है, एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. सबसे बड़ी बात आती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है. डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर अगर आप देखो, आप अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पढ़ते हो. थ्योरी ऑफ मशीन में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट हमें पता करना है, किसी भी मैकेनिज्म में मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट पर हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए. तो वो मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट जो होती है, डैट इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब यहां पर सबसे बड़ी बात है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस तरह से डिफाइन करेंगे. तो मिनिमम नंबर ऑफ, आप अगर देखें तो दिस इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ intensive independent variable to fix the system. ओके, तो यहां से अब हमें क्या पता चलेगा, स्टेट पोस्टुलेट से हमने क्या देखा, द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय स्टेट पोस्टुलेट. अब बाय यूजिंग गिब्स फेज रूल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज टू डिफाइन टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम. ओके, नाउ हियर द सी इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू number of chemical components. ओके, तो यहां पर जैसे अगर सपोज करते हैं कोई भी है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में कैसे हम निकालते हैं, अगर कोई भी एक सिस्टम मान लिया, दिस इज अ सिस्टम, सिस्टम में जो है अपना ऊपर क्या है, मान लिया वेपर है ऊपर, दिस इज वेपर वाटर वेपर, एंड नीचे इसमें दिस इज द कंपाउंड ऑफ, दिस इज H2O वेपर,
एंड दिस इज H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। अब सबसे बड़ी बात है कि इस सिस्टम में आपका फेज कितना है, एक तो वेपर फेज है गैसेस फेज एंड सेकंड वन इज लिक्विड, तो P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस। देन केमिकल कंपोजिशन C इज इक्वल टू, अब देखो केमिकल कंपोजिशन में ये भी वेपर भी क्या है H2O है और लिक्विड भी क्या है H2O है, तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, वन केमिकल कंपोजिशन बोथ आर सेम, ओके। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस टू, फेज इज टू प्लस F इज इक्वल टू कंपोनेंट कंपोजिशन केमिकल वन प्लस टू, देन F इज इक्वल टू थ्री माइनस टू, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू वन, ओके। तो इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए केवल हमें एक इंटेंसिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए जिससे कि हम स्टेट ऑफ सिस्टम को फिक्स कर सके, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में एग्जांपल नंबर टू गैसेस, गैसियस एयर सिस्टम में क्या लेते हैं, दिस इज That is gaseous air, okay? Gaseous air, air में component क्या क्या होते हैं, nitrogen, oxygen, फिर आपका carbon dioxide, there are lot of gases, okay? But यहां पर अगर आप देखो तो this is very important, air is considered as one component, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एयर इज कंसिडर्ड एज वन कंपोनेंट। तो इसका फेज कितना है, फेज इज इक्वल टू वन, ओनली वन गैसियस फेज, सी इज इक्वल टू वन, ओके। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, दिस इज एफ इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू वन प्लस टू, पी इज इक्वल टू वन माइनस वन, दिस विल कैंसिल, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टू। द नंबर ऑफ इंटेंसिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टू फॉर फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ओके। दिस इज द गिब्स फेज रूल, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन द, आफ्टर गिब्स फेज रूल नाउ वी विल मूव ऑन द प्रोसेसेस, द टर्म, एक टर्म आया था स्टेट ऑफ सिस्टम में, यहां पर अगर आप देखो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। तो अब यहां पर बात आती है कि व्हाट इज प्रोसेस, सबसे बड़ी बात है व्हाट इज प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस की मैं बात करता हूं तो सिंपल आपके दिमाग में ये बातें आती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड वन इज क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से देखिए, अभी जनरली जब आप थर्मोडायनेमिक्स इनिशियली स्टार्ट करते हो तो वहां पर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ता जाता है, एंट्रोपी तक जब कंसेप्ट जाता है, एंट्रोपी जहां पर क्लियर होती है वहां के बाद आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को क्लियरली देख पाते हो, फील कर पाते हो कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है एंड कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। बट यहां पर बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, क्लियर सी बात है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस can be classified as first one quasi static or quasi equilibrium, quasi static or quasi equilibrium and non quasi static process। सिंपल सी बात है, अभी मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को इसके बाद डिफाइन करता हूं सिंपल। तो यहां पर देखते हैं quasi static, quasi equilibrium and non quasi static process क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं quasi means what, quasi means almost
एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, स्टैटिक रेस्ट, ऑलमोस्ट रेस्ट. इट मीन्स दिस प्रोसेस इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस. ओके, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस. तो डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस, यहां से ये चीज क्लियर हो रहा है, क्वासी ऑलमोस्ट स्टैटिक रेस्ट. तो अगर डेफिनेशन देखते हैं तो अ प्रोसेस इज सेट टू बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इफ इट इज कैरिड आउट इन अ वेरी स्लो मैनर सो दैट द सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम at any point between initial and final state of the process. Okay, the quasi static process is represented by a joint line. सिंपल सी बात है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट. अ प्रोसेस इज सेड टू बी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इफ इट इज कैरिड आउट इन अ वेरी स्लो मैनर सो दैट अ सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस. द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाई ज्वाइंट लाइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. The quasi static process is represented by a joint line. And non quasi static process kya hogi? Non quasi means very fast process. Okay, dekhte hain ek example, dekhte hain simple example. Ek piston cylinder arrangement lete hain aur yahan par main quasi and non quasi dono ko define karunga. Theek hai, agar aap suppose karo, अगर ये पिस्टन यहां पर है, ठीक है, पिस्टन इज हेयर, ऊपर मैं एक कर्व लेता हूं, ठीक है, एक नीचे कर्व बनाने का प्रयास करते हैं, वी कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. ओके, दिस इज पीवी कर्व पे इसको ड्रॉ करते हैं. दिस इज पी दिस इज वी. अब यहां पर देखते हैं क्वासी एंड नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को. This is piston cylinder arrangement. This is the initial position one. One position ये रहा आपके system का. और अगर यहां पर देखो तो initial point is this. This is one. Okay. This is the initial position. अब जैसे जैसे ये initial position से, this is very fast manner. अगर ये आता है सेकेंड पॉइंट पे, ओके, दिस इज द फाइनल पोजीशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. यहां पे इनिशियल रहा, ये फाइनल रहा, दिस इज टू, इनिशियल एंड फाइनल. अब अगर ये बहुत ही फास्ट मैनर में यहां से यहां तक मूव कर रहा है, पिस्टन जो है बहुत ही फास्ट मैनर में यहां से यहां तक मूव कर रहा है, तो आप ये नहीं डिफाइन कर सकते हो कि इन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आपका जो सिस्टम है
जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज हुई, मतलब कि स्टेट ऑफ द सिस्टम जो चेंज हुआ उसने किस पाथ को फॉलो किया और प्रोसेस क्या है। सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आप देखो तो किस पाथ को फॉलो किया, आप पाथ को डिफाइन नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो आप 1 से 2 के बीच में आपको केवल इनिशियल पता है, फाइनल पता है, तो 1 से 2 के बीच में आपको पाथ नहीं पता है कि उसका स्टेट किस वे में चेंज हुआ, ठीक है। तो आप इसे किस तरह से डिनोट करोगे, दिस इज डिनोटेड बाई ज्वाइंट लाइन एंड दिस इज कॉल्ड नॉन क्वासी स्टेटिक प्रोसेस, नॉन क्वासी स्टेटिक प्रोसेस, ओके। द प्रोसेस विच इज नॉट क्वासी स्टेटिक दैट इज कॉल्ड नॉन क्वासी स्टेटिक एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। वाई वाई दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन, बिकॉज हम ये इसके इतना फास्ट मैनर में चला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो स्टेट चेंज हुए उस स्टेट को मैं डिफाइन नहीं, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि दिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस। अब उसी को लेते हैं, थोड़ा क्वासी स्टेटिक पे आते हैं। क्वासी स्टेटिक प्रोसेस में क्या होगा, ऑलमोस्ट स्टेटिक अगर पॉइंट वन पे यहां पर है तो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल दिस इज ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम, ऑलमोस्ट एट रेस्ट, बहुत स्लो मैनर में, वेरी स्लो मैनर। क्वासी स्टेटिक प्रोसेस इज वेरी स्लो मैनर प्रोसेस, तो बहुत स्लो मैनर में वो यहां से यहां तक गया। तो आप हर एक पॉइंट पर इसके स्टेट को डिफाइन कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा, तो आप उसके पाथ को डिफाइन कर सकते हो। डैट्स वाई क्वासी स्टेटिक प्रोसेस में कभी भी हम कौन सा यूज करते हैं, दिस इज ज्वाइंट लाइन, ओके। आपने देखा ज्वाइंट लाइन का यूज करते हैं, दिस इज क्वासी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड दिस इज ज्वाइंट लाइन, ओके। एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाई ज्वाइंट लाइन, इज इट क्लियर, ओके, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड ई रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप देखें तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आप लोग जो पढ़ते हो, सिंपल सा कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं। अगर आप सपोज करो कोई भी वाटरफॉल है, ठीक है, झरना है, वाटर वहां से नीचे की तरफ फॉल हो रही है, सिंपल, दिस इज नेचुरल लॉ, इसलिए कि वाटर अप से डाउन की तरफ आती है, सिंपल। तो क्या आप फिर से उस वाटर को उस वे में अपोजिट डायरेक्शन में भेज सकते हो, जो वाटर वाटरफॉल से नीचे की तरफ आई, क्या आप उसे रिटर्न में उसे भेज सकते हो, नहीं, क्या वो जा रही है, नहीं। तो डेट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि जिस पाथ को उसने फॉलो किया फॉरवर्ड में, क्या बैकवर्ड में उसी पाथ को फॉलो करेगी, नो, डेट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हो कि, और एक तरह से एग्जांपल आप दे सकते हो कि जिस फॉर्म में आप एनर्जी दे रहे हो, क्या उसी फॉर्म में आपको एनर्जी 100% मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अगर आपको उसी फॉर्म में मिल रही है, डेट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। कूलिंग, आप पहले किसी चीज को हीट करो, देन आफ्टर उसे कूल करते हो, तो हीट किया तो उसमें भी आपने हीट एनर्जी दिया, और कूल होने में पर भी उसने सराउंडिंग को हीट एनर्जी ही दिया, तो डैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई मशीन है, कोई डिवाइस है, वो रन कर रही है, आप पावर दे रहे हो, हाई ग्रेड एनर्जी दे रहे हो, वर्क दे रहे हो उसे, जब आप उसे हाई ग्रेड एनर्जी दे रहे हो और सडनली उस डिवाइस को आप स्टॉप करते हो, तो उसके अंदर जो हाई ग्रेड एनर्जी आपने दिया है वो सब कन्वर्ट किस में हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स कि हीट जो हाई ग्रेड एनर्जी है लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, दैट्स व्हाई दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। तो अगर डेफिनेशन में जाते हैं तो अ प्रोसेस इज सेट टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस इफ When reversed in direction follows
follows the same path as that the forward path without leaving any change on the system and surrounding, okay. And the process which is not reversible is called irreversible process. Okay, तो simple सी बात है, examples जो मैंने बताया, very simple examples कि आप जिस form में energy दे रहे हो, क्या उसी form में energy आपको 100% मिल रही है? नहीं, तो वो irreversible process है. अगर आप किसी चीज को जिस path से वो आ रहा है, क्या उस path से आप backward लेके जा सकते हो? नहीं, तो वो irreversible है. Okay, मैंने कुछ natural examples भी दिए कि reversible और irreversible process क्या-क्या हो सकते हैं. Is it clear? Okay, now a very important note. This is important. आगे आपको समझ में आएगा इस नोट का मतलब कि every reversible process must be quasi-static, but all quasi-static process may or may not be reversible. Okay, तो आप कह सकते हो all reversible processes must be quasi static, but all quasi static processes need not be reversible. This note is important. All reversible process must be quasi static, but all quasi static processes need not be reversible. Okay, thank you.